अच्छी बात यह है कि बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स का जो यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया था उसको हम लोगों ने फिर से रिस्टोर कर लिया, लोगों को वापस रिप्लेस कर लिया ऑलमोस्ट, मतलब हमारी टीम ने कल जो है कई घंटे काम किया और उसको उन्होंने पूरा रिट्रीव कर लिया। हालांकि अभी भी YouTube ने जो है एक कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक लगाया हुआ है जिसके चलते हम लोग 7 दिन तक तक हम लोग कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते। शायद से जो लाइव स्ट्रीम किया गया था उसका कुछ कंटेंट ऐसा था, जो हैकर्स ने जो लाइव स्ट्रीम किया था उसका कुछ कंटेंट ऐसा था जो कि YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल और वायलेंट कैटेगरी में आता है। तो इसलिए YouTube ने क्या किया कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा YouTube चैनल जो है वो किसी ने हैक किया, हैक करके उस पर रात को 3 बजे 2-3 बजे रात को उसने लाइव चलाया। उसके बाद जो है वो YouTube ने हमको स्ट्राइक भी लगा दिया कि भाई आप 7 दिन तक जो है कोई कंटेंट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म्स पर जो शॉर्ट वीडियो हर दिन आया करते थे, नॉलेजेबल शॉर्ट वीडियो, वो आना बंद हो गए। एक वीक के बाद शायद से वो रिज्यूम कर जाएंगे। हालांकि हम लोगों ने यूट्यूब को लिखा हुआ है कि हमारा चैनल हैक हुआ था, हमको बहुत दिक्कत गया रिट्रीव करने में। हालांकि रिट्रीव करने के दौरान देखा हमने कि कुछ वीडियो गायब हो गए, कुछ वीडियो जो है प्राइवेट हो गए थे, कुछ वीडियो परमानेंटली डिलीट हो गए, कुछ वीडियो बाद में आए। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हैकर जो है वो बहुत पावरफुल होते चले जा रहे हैं। आपको मैं हैकर से घटना बताता हूँ कि बिल्कुल सच्ची घटना है, आप जो है वो गूगल कीजिएगा, ये 1-2 वीक के अंदर घटी घटना है। वो ये है कि अमेरिका का मैं एक कंपनी है, अमेरिका में एक कंपनी है जो यूएसए को जो है बाकायदा अमेरिका को पाको जो है ऑयल, जो ऑयल सप्लाई का पूरा काम उसके पास में है। मतलब जहां ऑयल बनता है, जहां से ऑयल आता है, वहां से पूरी कंट्री में ऑयल सप्लाई का काम उस कंपनी के पास है। नाम मैं कंपनी का बोल रहा हूं। तो उस कंपनी का पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं कि ऑयल कहां से जाएगा, मतलब इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज और अच्छा और हाईटेक सिस्टम है जो पूरा कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, इंसान लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। हैकर्स ने क्या किया, ईस्टर्न यूरोप के हैकर्स, हैकर कहा के ईस्टर्न यूरोप के हैकर्स के ग्रुप ने जो अपने आप को जो है वो साइबर क्रिमिनल्स की कैटेगरी में शामिल मानता है और वो बड़े गर्व से कहता है कि हम हैकर्स हैं जो दुनिया में कुछ भी हैक कर सकते हैं, उन लोगों ने जो है वो अमेरिका की उस पाइपलाइन वाली कंपनी का पूरे कंप्यूटर, मतलब सोचिए जो सीईओ बॉस का कंप्यूटर से लेकर जो लास्ट कंप्यूटर है ना जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, सारे कंप्यूटर उन्होंने हैक कर लिए और अपना पोस्टर दिखाया उन्होंने और उन्होंने रैनसम मांगा, उन्होंने कहा भैया कि हमको पैसा चाहिए। के आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी से लेकर सब लगे रहे उसके पीछे, लेकिन वो उसको ट्रैक नहीं कर पाए थे कैसे इस हैकिंग कोप से बाहर निकले। अमेरिका में तेल की कमी हो रही है, ये अभी की बात है 10 दिन पहले, अमेरिका में पेट्रोल पंप पर भीड़ लगने लगी, बिडेन को बोलना पड़ा कि भैया पेट्रोल की कालाबाजारी मत करो, पेट्रोल इकट्ठा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली उस कंपनी को उनकी रैनसम की डिमांड को मानना पड़ा और इंडियन करेंसी में 36 जो है वो करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट दिया गया उनको। और उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने कंप्यूटर को छोड़ा, उन्होंने कंप्यूटर के हैकिंग को बंद किया उन्होंने और उसके बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो पाया। लेकिन अमेरिकन एजेंसी के लिए कान खड़े कर देने वाली घटना थी कि अगले जो अटैक होंगे वो अटैक कभी जो है वो किसी और तरीके से नहीं होंगे, जैसे आज आप देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन आज जो अपना लड़ रहे हैं आपस में, तो ऐसे नहीं होंगे, वो तो अब सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर के थ्रू होंगे। तो ऐसे ही जब हम हमारी टीम बहुत स्मार्ट है, मुंबई की टीम में जो है वो जो टेक्निकल जो हमारा स्टाफ है, जो हमारी कंटेंट वाले, देखो अब क्या है बायोमेंटस में अलग अलग टीम है, कंटेंट की टीम, पढ़ाने वाले टीचर्स की टीम है ठीक ना, फिर एक मैनेजमेंट की टीम है जो एग्जीक्यूटिव टीम बोलते हैं इसको, जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, फिर एक टीम है फाइनेंस की टीम है जो पूरा का पूरा अकाउंटिंग, एक एक खर्चा, एक रुपए का हिसाब किताब रखते हैं, फिर एक टीम होती है वो है टेक्नोलॉजी टीम ठीक है, जो लगातार आपके ऐप को डेवलप कर रही होती है, लगातार आपके वेबसाइट को इंप्रूव कर रही होती है, उसमें कई बड़े अच्छे लेवल के जो है बड़े महंगे हैं एक्चुअली, अच्छा खासा सैलरी पे करना पड़ता है उन लोगों को। तो वो लोग जो है वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कल जब किसी हैक हुआ तो उन्होंने पता लगा लिया कि ये यूट्यूब हैक हुआ है तो कहाँ से हैक हुआ होगा, पूरा उन्होंने निकाल के उनको यूपी के आसपास, उत्तर प्रदेश के आसपास किसी व्यक्ति ने वीपीएन का इस्तेमाल किया, उनका कहना है कि यूपी के इलाहाबाद के आसपास किसी व्यक्ति ने वीपीएन का यूज किया और वहां से उन्होंने उसको हैक करके अपना, और ऐसा जो है अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसने 4-5-6 और भी वेबसाइट उसने यूट्यूब चैनल को उसने हैक किया, क्यों किया, क्या पर्पस था, किसी को नहीं मालूम है। तो आईपी एड्रेस मिल गया हमारी टीम को, तो अभी और थोड़ा जानकारी निकाल रहे हैं वो, अदरवाइज उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट भी लॉन्च करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है वो इस तरह की चीज़ों को यदि हम बर्दाश्त करेंगे तो ये होती चली जाएंगी, इसलिए हमको कंप्लेंट तो जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले डिटेल खंगाल रहे हैं अपनी ओर से ताकि कंप्लेंट का पुख्ता आधार हमको मिल सके। खैर ये मान लीजिए आपकी आने वाला दुनिया जो है उसमें बहुत बड़ा रोल है ऑनलाइन का, लेकिन उसके बावजूद जो है ऑनलाइन में सिक्योरिटी का इशू तो हमेशा रहेगा और वो सिक्योरिटी के इशू के लिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो बायोमेट्रिक्स ने कल एक बहुत बड़ा लेसन सीखे हम लोग कि भैया हम साल, अब मान लीजिए ये मेन चैनल होता तो बच्चों की पूरी पढ़ाई 2 दिन रुक गई थी, हम सारे लोग जो है इतने वीडियोज उसमें कि हम सारे लोगों को पसीना छूट गया होता के उसको रिस्टोर करने में। वो तो अच्छी बात है कि हम लोग एक अपना प्राइवेट सर्वर पर भी वीडियो को सेव करते हैं, हम लोग जो है एक बैकअप भी हमने टीम से, मैंने बोला एक छोटा सा वीडियो भी 5 मिनट का है तो उसका भी बैकअप होना चाहिए आपके पास में ठीक है, तो टीम को मैंने अलर्ट किया हुआ है। फिर अब हमको जो है कमिंग सेशन में हम सोचा हमने कि भाई क्या हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी यूट्यूब पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक ऐसा मीडियम हो गया है जिसको मतलब सोचिए इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट बैठे हुए सब, और सोचिए यूट्यूब को कोई हैक करके वहां से किसी चैनल को हैक कर रहा है, घुस के चैनल को हैक कर रहा है, लाइव स्ट्रीम करना बहुत कठिन काम है। लाइव स्ट्रीम को हैक करने का मतलब ये है कि आपको सामने वाले की स्ट्रीम की चाहिए पड़ेगी और वो स्ट्रीम की भी ढूंढ ली उन्होंने,
सोचिए आपके सिस्टम में घुसकर वो स्ट्रीम की ढूंढ के लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। नॉर्मल वीडियो पोस्ट करना एक अलग बात है, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आपके सभी वीडियो प्राइवेट कर रहे हैं, आपके वीडियो डिलीट कर रहे हैं, आपका लोगो चेंज कर रहे हैं, मतलब दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। ये तो बड़ा भयंकर रिस्की काम था। तो उसके बाद हम लोग के जो है वो कान खड़े हो गए, हमका भाई बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी यूट्यूब पर, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए एक एक दिन कीमती है। तो बेटा हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ आप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूट्यूब पर नहीं रहेंगे, हम यूट्यूब पर ही रहेंगे आपके, लेकिन हम उसकी सेफ्टी के लिए हम जो है अब थोड़ा सा खर्चा करेंगे कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके, हमारा एप्लीकेशन वेबसाइट जो है वो एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ सके, जिसमें कि बच्चे अधिक फायदा उठा सके। खैर ये तो मेरी आपकी बात है,